हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो टूल है ना, वो आज हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, क्योंकि ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम है वो टूल परचेज करने का। बट मुझे उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ वो चीज़। तो वो है पंचिंग टूल, जो कि मैंने ईश्वी शॉप से मंगाया है। अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग किया है, बट मैंने सोचा अनबॉक्सिंग वीडियो अभी कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे आते रहेगा, तो क्यों ना आज ट्यूटोरियल के साथ में अनबॉक्सिंग करी, तो आप लोगों को ही कुछ नया पता चलेगा, मेरे को भी। तो उसके लिए हम एक आज ईयरिंग बनाएंगे। ईयरिंग में हमें क्या क्या लगेगा, हमें लगेगा एक कार्डबोर्ड का पीस छोटा सा, ये सर्कल नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनाया है, तो एक कार्डबोर्ड का पीस, बकरम लगेगा हमें, एंड ये ग्रे कलर का क्लॉथ है छोटा सा ये, एंड सर्कल बनाने के लिए मैं ये गियर लॉक का जो ऊपर का कैप है बॉक्स का, वो इस्तेमाल करूँगी, एंड एक टूल लगेगा हमारा फ्लैट नोज प्लायर, एंड ये मेरा पुराना झुमका है, वैसे अंदर सा ताजमहल का कार्विंग किया हुआ है, तो हम ये यूज़ करेंगे। आप देख ही सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए, इट्स सो प्रिटी, है ना। एंड नीचे इसके ऐसे छोटे छोटे सीसीबी बॉल्स के हैंगिंग लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और क्लासी लुक देता है। बेसिकली मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊं तो कितना क्लासी है, राइट। चलिए अब हम वापस अपने पोजीशन में कैमरा को सेट कर देते हैं। तो ये हम इसको ही रीयूज़ करेंगे, और हमें एक ही ये लगेगा जंप रिंग, एंड ये लगेगा स्टड, एंड उसका जो पीछे का पुश होता है, इसको हम लोग स्टॉपर भी कहते हैं, ये स्टॉपर लगेगा, क्योंकि हम एक स्टड झुमका बना रहे हैं। तो अब जल्दी से हम, और अच्छा, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैब्रिक ग्लू लगेगा, मेक श्योर मैंने इसका लेबल हटा दिया, बट आप फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करें, बहुत स्टर्डी रहता है, और हम फैब्रिक स्टिक करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें उसका ही ग्लू इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से एक सर्कल बना लेती हूँ। सो ये कैप मैंने ओपन कर लिया, यहाँ मैं प्लेस करूँगी, ये रहा मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, फैब्रिक को इसके साइज जितना राउंड अप्रॉक्स राउंड ऐसे कट कर लूँगी। सो गाइस, मैंने ये थोड़ा सा कट कर लिया है, यहाँ पे ऐसे मैं प्लेस करूँगी, ज़रूरी नहीं है एकदम ही एग्जैक्ट आप फैब्रिक कट करो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इस फैब्रिक के बॉर्डर्स में थोड़ा ये फैब्रिक ग्लू लगा दूँगी। एंड सामने से हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ कर देंगे। तो ये सर्कल हमारा सूखने को रख देंगे हम तब तक, एंड जब तक ये सूख रहा है हम छोटा सा एक सर्कल काट लेंगे। तो जो ये फैब्रिक ग्लू का जो ये कैप है ना, ये इस वाले कैप से थोड़ा सा छोटा है, और मुझे इतना ही सर्कल चाहिए, तो ये इससे छोटा हो जाएगा तो अंदर ये ऐसे कवर कर लेगा। इसके लिए मैं अभी फैब्रिक ग्लू के कैप को इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है। आप कॉम्पास से भी कर सकते हैं, इसको मैं कट कर लूँगी। गाइज, अगर आप बकरम नहीं लगाना चाहते हैं देन कोई बात नहीं, आप इसके पीछे इसका जो फैब्रिक है वो भी लगा सकते हो वापस। तो ये यहाँ मैंने कट कर दिया, फिर भी हम अभी ये पूरा तरीके से सूखा नहीं है, तो मैं इसको पहले सूखने दूँगी। हम तब तक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पार्सल जो आया था, एंड मैं गाइज आप लोगों को सीरियसली बताऊँ, डोंट शॉप फ्रॉम ईश्वर शॉप। मैंने इस बार ही एक्सपीरियंस किया है खुद। मैंने 10 डेज पहले, आज है 27th, मैंने 16th को पार्सल अपना ऑर्डर किया था, एंड इट्स 27, आज ही पार्सल आया, और आज ही मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो में भी, बहुत मतलब कुछ दिनों बाद जाए, बट मैंने आज 27 हो गया है, अब आया ये पार्सल। एंड जब मैंने कंप्लेन किया, वो लोग रिप्लाई किए, मैम आपका पार्सल इस टाइम पे आएगा, इस डेट पे आएगा, आने वाला 25th में था बट आ रहा है 27th को। एंड मैंने जैसे ही थोड़ा सा कंप्लेन किया उनको कि सर्विस बहुत लेट है, आई अर्जेंटली वांटेड इट, देन वो लोग मेरा फ़ोन कर दिए, देवर वो लोग पिकअप ही नहीं किए। सो यस, दिस टाइम आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। तो यहाँ मैंने कट कर दिया है, लेट्स सी, एंड मैंने ये सिर्फ एक पंचिंग टूल ही ऑर्डर किया था,
सो एक नॉर्मल पॉलिथिन में आया है एंड यहाँ एक बिल है, वो लोग किसी और का बिल दिए हैं, विनोद कुमार का है, किसी और का बिल है गाइस। सो या ओके लेट्स सी, बबल रैप में रैप्ड है विच इज गुड। एंड यहाँ से भी मैं कट कर दूंगी। ओके एंड आई प्रेफर गाइज आप लोग टूल्स को है ना ऐसे ही पैकेट में पैक करके रखा करो। एंड ये है मेरा पंचिंग टूल, यू कैन सी दिस गाइज, दिस इज ओ माय गॉड, ये मेरा ड्रीम था, आई वांटेड दिस टूल। ये ऐसा है, सामने इसके एक कील है एंड यहाँ एक ऐसे होल दिया हुआ है एंड ये बहुत ही बड़ा है, यू नो फ्रेम में भी नहीं आ रहा इतना बड़ा है। ओके तो ये है, तब तक हमारा गाइज ये सूख चुका है ऑलरेडी, ज़रा सा यहाँ बचा है तो उसके लिए हम रेपिंग करेंगे, नेक्स्ट हम प्रोसेस में जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक होल करूँगी सच दैट कि मेरा झुमका ऐसा है संभव, ठीक है ना, ऐसा। आई होप कैमरा फोकस कर रहा है, लेट्स यूज़ दिस टूल। तो यहाँ मैंने आप लोगों को इसको यूज़ करना सिखा देती हूँ। सो दिस इज द टूल, वेट द कैमरा इज नॉट फोकसिंग गाइस, ठीक है। ओके सो इट गेव अ प्रॉपर होल, एक अच्छा सा होल आ गया है इसमें, बहुत स्मूथ है ये, आप देख रहे हो ना गाइस यहाँ पे एक होल है। सो अगर आप चाहो तो आप एक और बार प्रेस करके गाल सकते हो। सो ये होल हो गया इसमें एंड यस आप देख ही सकते हो, ये हम फ्लावर ज्वेलरी के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, उसमें बहुत सारे होल्स करने रहते हैं ना हमें, उस समय ये बहुत काम में आता है। सो ये है, ये मैं ओपन करूँगी जंप रिंग।